हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ ये आई मेकअप शेयर करने वाली हूँ। इस आई लुक की फुल ट्यूटोरियल मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगी। तो बहुत दिनों के बाद मैं वीडियो कर रही हूँ, क्योंकि मैं थोड़ी सी बिजी थी इसलिए वीडियो नहीं दे पाई। तो अब से रेगुलरली वीडियो आएगा। आप लोगों में से जो भी मेरे चैनल पर नए हैं तो वो लोग मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले एंड बेल आइकन को हिट कर ले। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक कंसीलर की मदद से आईब्रो को कट कर रही हूँ। मैं पहले ही आईब्रो को फिल कर चुकी हूँ। तो इसके बाद इस कंसीलर को एज अ आई बेस हम यूज़ कर रहे हैं और ऊपर की तरफ भी मैं आईब्रो को कट कर लूँगी सेम कंसीलर से, और उसके बाद इसको अच्छी तरह से ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से ब्लेंड करना है। मैं यहाँ पर कोई भी कॉम्पैक्ट या लूज पाउडर यूज़ नहीं किया है इसको सेट करने के लिए, क्योंकि मुझे बहुत पिगमेंटेशन ज़्यादा चाहिए था। और मैं यहाँ पर हाईलाइट कर रही हूँ अपनी ब्राउ बोन को। उसके बाद एक डार्क पर्पल शेड को लेकर मैं आउटर कॉर्नर पे अच्छे से ब्लेंड करूँगी, और उसके बाद उसको इनर कॉर्नर पे भी ब्लेंड करूँगी, और क्रीज लाइन पे भी मैं सेम कलर ब्लेंड करूँगी। इस तरह से धीरे धीरे करके ब्लेंड करना है आपको, कलर को प्लेस करना है और ब्लेंड करना है। उसके बाद एक फ्लफी सा ब्रश लेके एज अ ट्रांजेक्शन शेड मैं एक लाइट पिंक कलर को लेकर क्रीज लाइन के ऊपर ब्राउ बोन एरिया के ठीक नीचे मैं ब्लेंड कर रही हूँ, ताकि कोई हार्श लाइन ना रहे। और उसके बाद मैं क्रीज को और थोड़ी सी डार्क बनाने के लिए सेम शेड को लेकर ही उसके ऊपर ब्लेंड कर रही हूँ, ताकि एक क्रीज को एक डेप्थ मिले। और इसके बाद मैं आईज़ की क्रीज को कट कर लूँगी। मैं यहाँ पर मिडिल पे कट कर रही हूँ, और आप टेक्निक देख सकते हो। आपकी क्रीज की जो गाइडलाइन है वो आप इस तरीके से बना सकते हो। तो ये एक ट्रिक है, आप आसानी से अपनी गाइडलाइन को बना सकते हो। नीचे थोड़ी सी कंसीलर को लगाकर ऊपर की तरफ देखना है, और आपको आपका गाइडलाइन मिल जाएगा। क्रीज को कट करने के बाद मिडिल की पार्ट में येलो कलर यूज़ कर रही हूँ। पर्पल और येलो दोनों कलर ही बहुत अच्छे कॉम्प्लीमेंट करते हैं एक दूसरे के ऊपर, तो इसलिए मैंने ये कलर चूज़ किया है। येलो कलर को देने के बाद कोई भी हार्श लाइन ना रहे, इसलिए मैं आउटर कॉर्नर पे और इनर कॉर्नर पे थोड़ी सी ब्लेंड कर रही हूँ सेम कलर से, एक सॉफ्ट लुक लाने के लिए। और उसके बाद मैं यहाँ पर ग्लिटर अप्लाई कर रही हूँ एक फ्लैट शेडर ब्रश से। और इसके पहले मैंने जो ब्रश यूज़ किया है वो कप्शन लैसेस के ब्रश है। और इसके बाद मैं क्रीज लाइन को थोड़ी सी शार्प और डिफाइन करने के लिए एक लिक्विड आई शेडो को एक फ्लैट शेडर ब्रश की मदद से लाइन ड्रॉ करने की कोशिश कर रही हूँ। पर यहाँ पे लाइन उतनी अच्छी प्रोमिनेंट नहीं थी, इसलिए मैंने एक गोल्डन कलर का आईलाइनर क्रीज लाइन पे ड्रॉ कर दिया है। उसके बाद मैं लोअर लैश लाइन पे भी सेम जो पर्पल कलर है उसको ब्लेंड कर रही हूँ, और इनर कॉर्नर को मैं हाईलाइट कर रही हूँ। इनर कॉर्नर को हाईलाइट करने के बाद मैं यहाँ पर काजल यूज़ करूँगी। वाटर लाइन पे काजल यूज़ कर रही हूँ, और अपर वाटर लाइन पे भी मैं काजल यूज़ कर रही हूँ, इससे लुक बहुत अच्छा आता है। और इसके बाद मैं लाइनर यूज़ कर रही हूँ। यहाँ पर मैं विंग लाइनर नहीं ड्रॉ करूँगी, इसको एक स्मोकी इफ़ेक्ट देने के लिए एक स्मोकी लाइन ड्रॉ करूँगी। और मेरी लाइनर को आउटर कॉर्नर की तरफ मैं स्मोकी करूँगी एक ब्रश की मदद से। मैं मेरे लाइनर को ब्लेंड कर रही हूँ,
ताकि एक स्मोकी इफ़ेक्ट आए। ये बहुत अच्छी एक आई लुक क्रिएट होती है इससे। मेरा आई लुक ऑलमोस्ट कंप्लीट है और मस्कारा थोड़ी सी बाकी है। मस्कारे के लिए मैं यहाँ पर मेबलिन का मस्कारा यूज़ कर रही हूँ। सारे जो प्रोडक्ट के लिंक वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया हुआ है, आप चेक कर सकते हो। और इसके बाद मेरा आई लुक कंप्लीट हो चुका है। आप लोगों को ये आई लुक कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। अगर अच्छे लगे तो मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। आज के लिए बस इतना ही।